और हिंदुस्तान देख रहे हैं। हम फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। आशा बहुएँ यहाँ पर धरना दे रही हैं, लगातार आज आठवां दिन है और आज आठवें दिन पर विधायक जी यहाँ पर आए हैं। विधायक जी, आने में 8 दिन क्यों लग गए? पहली बात तो ये कि आशा बहू ने जो धरना देने का निर्णय लिया उसकी सूचना जो सोचित थी हमको प्राप्त हुई, प्रॉपरली जो मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुई। जानकारी तो हमको हो गई थी कि धरना चल रहा है, लेकिन प्रॉपर वे होता है जिसके माध्यम से आदमी उस हिसाब से काम करता है, वो नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी बात ये कि इतना काम ये पार्टी नाच चुकी है, सरकार नाच चुकी है कि सुबह से लेकर के और 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक तो मैं रहता हूँ दरवाजे पर, कम से कम 150-200 लोगों से निपटता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उसका समाधान जहाँ से संभव होता है जिला से चाहे कहीं से भी समाधान करने का प्रयास करता हूँ। संतुष्ट होने के बाद वो जाता है घर, उसके बाद से मैं नहाना खाना भोजन करना और सायंकाल में 6 बजे निकल जाता हूँ अपने काम से, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। तो इस नाते आशा बहुओं को अगर समय से सूचना मिली होती मुझे, मैं आज हमको समय सूचना मिली है, ये पता है कहाँ गए वो बताएं कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं लोग, तो मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ, बैठक हमारी है, प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हाँ, आप ही गए थे बैठक से, मैं आऊँगा सीधे यहीं पर आऊँगा और आज के कर्म मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ। आपके क्षेत्र में एक और जगह है दूधही जहाँ धरना चल रहा है, वहाँ जाएंगे? कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। आशा बहुओं की 9 सूत्रीय मांग है, 9 सूत्रीय मांग है। कितने मांग आपकी समझ में आ रहा है? इनकी मांगे 9 हैं, 9 मांगे इनकी उचित हैं, कोई मांग गैर उचित नहीं है, और इन 9 मांगों को सरकार को समाधान करना चाहिए। 9 मांगों को मनवाने के लिए 3 स्तर हैं, एक तो सरकार से बात करना, सरकारी स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से, दूसरा जिले स्तर से, तीसरा स्थानीय स्तर से। मैंने कि बता चुका हूँ कि मैं सरकार से जो बात करना है, ये सदन चलने जा रहा है नवंबर में, सदन में ये बात उठेगी, हर जब पूरे प्रदेश के लोग आते हैं वहाँ पर सदन में बात उठेगी, सदन में इसका निस्तारण हो जाएगा, सरकार के बीच में निस्तारण इसका हो जाएगा। रवि किशन जो वर्तमान सांसद गोरखपुर हैं, उन्होंने ही यह उठा दिया मामला, उन्होंने कहा कि 3 दिन में हम इसका निस्तारण करवा दे रहे हैं, आपको खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी मिली नहीं, आशा बहुएँ धरने पर बैठ गई, अब प्रादेशिक व्यवस्था और तमाम स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अब तो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा तो उनकी बात नहीं, सांसद हमारे हैं वो सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, उनकी बात तो मैं कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं अपने स्तर वाली बात मैं कर रहा हूँ, मैं सांसद की बात नहीं कर सकता। ये आशा बहुएँ हम लोग प्रधानमंत्री जी की रैली कवर कर रहे थे तो हमने देखा कि हजारों की संख्या में बैठी हुई थी, हजारों की संख्या में थी, उम्मीद था कि हमारे पर बात होगी, हुआ नहीं। मैं वहाँ की बात क्या कहूँ, मैं तो वहाँ की व्यवस्था से खुद असंतुष्ट हूँ कि मैं कौन सी व्यवस्था जिससे आप असंतुष्ट हैं? मैं तो खुद धरने ये क्या नाम है सभा स्थल पर नहीं पहुँच सका। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप वर्तमान फाजिलनगर के विधायक हैं। सभा स्थल पर नहीं पहुंच सका, जो प्रॉपर में तरीका होना चाहिए था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, मैं खुद बाहर रोक दिया गया। तो इनकी बात को हमारे वर्तमान विधायक जी सभा स्थल से बाहर हो गए थे क्योंकि इन्हें वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी जिससे VIP लोग बड़े मंच पर बैठे थे। तो आशा बहुएँ अपनी अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रही थी और इन्हें लौट जाना पड़ा, कोई रिस्पांस नहीं मिला? नहीं, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी और प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्षेत्र के तो हैं नहीं, मुख्यमंत्री तो हैं नहीं, उनके संज्ञान तक बात नहीं लाई गई होगी जी। ये हो सकता है, मैं संभावना कर रहा हूँ, उनके संज्ञान में बात नहीं आई होगी, इस नाते उस पर चर्चा नहीं किए होंगे, लेकिन इनकी बातें जो ये राष्ट्रीय सरकार से कोई मतलब है भी नहीं, इनकी जो बातें हैं वो प्रदेश सरकार से मतलब है, प्रदेश सतह की सीमित है, तो इनका समाधान जो होगा समस्याओं का, 9 समस्याओं का, ये प्रदेश स्तर पर ही होगा, जिले स्तर पर होगा या स्थानीय स्तर पर होगा। आज इसकी बात बता चुका हूँ कि मैं प्रयास करूँगा प्रदेश में, तो जब सदन बैठेगा वहाँ निर्णय हो जाएगा। और आपको आपने एक चिट्ठी लिखा था फाजिल नगर को पावा नगर करने का, हाँ, क्या उम्मीद है कि क्या ये चिट्ठी आपकी मान ली जाएगी? नहीं, उम्मीद तो मैं रखता हूँ,
क्योंकि मांगे की जायज़ है और जायज़ मांग है तो मानना चाहिए, न माने कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि योगी सरकार ने 2200 रुपए में आपको भी लगता है विधायक जी के खर्च तो नहीं चलेगा, चलेगा। 2200 रुपए देना एक अपमान है, तो जिस पे अपमान हुआ है तो क्या इन लोगों की मांगे मानी जाएंगी? आशा मैं करता हूँ कि मानी जाएंगी। आपको नहीं लगता कि 2200 बहुत कम है? बहुत कम है, आज के युग में बहुत कम है, महंगाई इतना ज़्यादा और 2200, और उसमें भी ट्रेवल करना होता है। मैं मान तो रहा हूँ कि बहुत कम है, इनके कार्य के अनुसार इसको जो बढ़ोतरी होनी चाहिए। फाजिल नगर के विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी का मानना है कि इनकी मांगे सही है और उसे मानी जानी चाहिए। हमारे साथ थे, हमने उनसे बातचीत किया है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो शेयर करिए। कैमरामैन अरबाज आलम के साथ ब्रजेश शर्मा, कुशीनगर।